मम्मी जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अच्छा, आप ये चेक कीजिए ना एक बार, करवा लेकर आई हूँ। ये ठीक है या हमेशा की तरह मैंने कुछ गलती कर दी? मम्मी जी, मेरा पहला करवा चौथ है ना ये, मैं चाहती हूँ कि आप ही मुझे सब कुछ सिखाइए। एक्चुअली मुझे तो कुछ आता ही नहीं है ना, और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। ये रमन की लंबी उम्र के लिए है ना पूजा, तो मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई भी गलती हो। मैं बहुत अच्छे से व्रत रखना चाहती हूँ, पर आपकी हेल्प चाहिए मुझे मम्मी जी। अच्छा, सरगी भी बनती है ना इसमें, तो वो तो आप ही बनाओगे ना, आप तैयारियां कर लीजिए। अच्छा देख, सरगी खाने के लिए सवेरे 4 बजे उठना पड़ेगा। वैसे तो खैर तुम मद्रासी आदि होते हो सवेरे 4 बजे उठने के, तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हम पंजाबी हैं कि हमारी तो रात ही सवेरे 4 बजे होती है। सच बड़ा औखा लगता है सवेरे 4 बजे उठना। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको जगा दूंगी। चल ठीक है। अच्छा मम्मी जी, आपसे वो बोलने का वक्त नहीं मिला था, वेस्टर्न ड्रेस में ना आप बहुत हॉट लग रहे थे। चल हट, ज्यादा मस्का ना मार। अरे नहीं सच्ची, मैंने बड़ी तैयारी करनी है सरगी की, जा मैंने तैयारी करने दे। ते हाँ गल सुन, 4 बजे उठ के 4:30 बजे तक चंगी तरह खा पी लेना, क्योंकि उसके बाद सारा दिन कुछ खाना पीना नहीं है, समझी? एक मिनट, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओए चिल्ला क्यों रहा है तू? माँ इशिता कोई व्रत नहीं रखेगी। ऐसे नहीं कहते होते पुत्र। माँ एक मतलब से कह रहा हूँ, आप जानती है बीमार पड़ी थी बीच में ये, और डॉक्टर ने इसे कहा है कि 2 घंटे से ज्यादा भूखी नहीं रह सकती है। और तुम अगर अपना दिमाग लगाया है, चालाकी की है जिसके चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर की है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम कोई फास्ट नहीं करने वाली हो। अरे घर में तमाशे कम है क्या? अब तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएं हम लोग। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पीठ पीछे कोई चालाकी मत करना, क्योंकि रूही को घर पे छोड़ते हुए जा रहा हूँ तुम पे नजर रखने के लिए। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन रमन, मैंने कहा ना फाइनल, नो फास्टिंग। और माँ आप भी सुन ले, फास्ट जान से बढ़कर नहीं। और हाँ, अगर फिर भी तुम्हें शौक चढ़े ना फास्ट करने का और बीमार पड़ गई ना, तो इस बार हॉस्पिटल में डोनेट कर दूंगा तुम्हें मैं। रमन ठीक कह रहे इशिता। देख पुत्र, रस्म और रिवाज की अपनी जगह होती है, पर दुनिया में कोई भी रस्म ऐसी नहीं होती जो जान से बढ़कर हो। भगवान का पहला उसूल ये है कि अपनी जिंदगी और अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, ये हमारी जिम्मेदारी है। तू अगर मन में मान लेना तो गल आपे ही भगवान के पास पहुँच जाएगी। तू ऐसे करना, सवेरे उठ जाना, मैं तेनू सरगी कराऊंगी, फिर तू पूजा कर लेना, फिर तू चांद देख के अपने पति के लिए मनोकामना कर लेना। गुड होए, खुश हो जाएगी अभी, बड़ा सुंदर। गुड मॉर्निंग जी। तुसी बिना सवेरे सवेरे शुरू कर छोड़ो ना, बच्चे देख लेंगे। ओ देख लेने दो, पर कितने दिनों बाद तो घर घर लग रहा है। अरे आप नहीं थे ना, घर में उदासी छाई हुई थी। देखो आपके आते ही त्योहार वाला माहौल हो गया। त्योहार तो है ही, करवा चौथ तो पता है ना, इसलिए तो मैं भी आपका साथ देने के लिए आ गया हूँ। तो बहू और बेटी के लिए सरगी निकाल रहे हो? हाँ। आजा पुत्र, आजा आजा पुत्र, आजा आजा आजा, तेरे वास्ते। ले मिलो बच्चा, सुना ते इशिता, ए पुत्र ए तेरे लिए। थैंक यू सो मच मम्मी जी। मेरा बच्चा, जिंदीरा पुत्र, सदा सुहागन रहो। वाव, आयो मीर। मॉर्निंग परी अम्मा। तुम इतना मॉर्निंग में इधर? पर माँ, आज मेरे करवा चौथ का व्रत है ना, तो मीर सरगी रहे। शगुन ने मीका के लिए सरगी भेजी है, हमारे यहाँ ससुराल के यहाँ से सरगी की थाली आती है। इस साल मैं भी पास रखूंगी परी माँ, इसलिए अभी इतना खा रही हूँ, इसके बाद तो पानी भी नहीं पी सकूंगी ना। खेरे के वैसे मीका, अगर तुमसे भूखा नहीं रहा जाता तो तुम्हें ये सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरे बारे में सोचा, इतना ही मेरे लिए काफी। शट अप ना बुद्धू, सपोर्ट मी यार। ओहो, बट तुम अपने आप को टॉर्चर करोगी इस तरह? नॉट डन। ये टॉर्चर नहीं है, दिस इज लव।
देखो अगर तुम लंबी उम्र जियोगे तो पूरी जिंदगी मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगी ना, समझो, बी स्मार्ट। इसे मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट है। वाह, ये हुई ना मेरी मीकू वाली बात। मेरे को टॉर्चर करने के लिए कितना कुछ करती है। खा, खा, खा। ऐसे बाहर मत चली जाना, कहीं कोई सांड पीछे ना पड़ जाए। कुछ भी सुनो, वैसे अच्छी लग रही, बस कोई किसी हड़ताल का झंडा ना बना ले तू। इशिता जी, मम्मी जी, छेती छेती मेहंदी लगवा ले, मैं ही का वो इतनी देर ना लाई, छेती कर, फिर सारी औरतों ने आ जाना है, मैंने सबको कथा के लिए बुलाया है। कितने प्रिटी लग रहे हो। थैंक यू। तू भी कुछ कम नहीं लग रही, तू भी चमत्त कुट्टी। थैंक यू। अच्छा दीदी सुनो ना, मेरी अक्का के हाथ पे ना आर और आई बना, कुछ भी अजीब सा लगेगा। शट अप। और दीदी सुनो ना, उसके आसपास ना एक हार्ट बनाना, वो क्या है ना, आज मेरे जीजू का दिन है, तो अक्का अपने पति परमेश्वर के लिए इतना तो कर ही सकती है ना। बड़ी सोनी करके लाना, इधर पहला करवा चौथ है। मम्मी जी ये सूट बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। और थैंक यू पुत्र, तू आप इतनी सोनी है, जो कुछ भी पा लेती है सोना ही लगता है। आपकी चॉइस अच्छी है। बस उसी दिन से सारे सुहागने करवे में पानी त्याग के सारा दिन भूखी प्यासी रहती है, जब तक कि उन्हें चांद नजर ना आ जाए। धूम चकेड़ा फेरी ना, नाव ते पैर पाई ना, सुतेड़ा जगाई ना, रुठेड़ा मनाई ना। धूम चकेड़ा फेरी ना, नाव ते पैर पाई ना, सुतेड़ा जगाई ना, रुठेड़ा मनाई ना। धूम चकेड़ा फेरी ना, नाव ते पैर पाई ना। एक गल दस, आज मेनू ए नहीं समझ आ रहा, साड़ी लाल पटाका इशिता नू रमन ऑफिस किदा छड़ के गया। कोई छड़दा इतनी सोहनी बॉडी नू, मैं ते कदी ना छड़ा। आंटी शर्मा गई बिचारी, और लाल हो गई शर्मा के। अपनी अपनी बीवियों के सामने